गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये है करमुआ और इसको मैंने डंठल से लगा रखा है। तो आज मेरे यहाँ रात में करीब 1.5 घंटे बारिश हुई है और मौसम भी बारिश का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। तो फिलहाल बारिश तो बहुत ही कम हो रही थी, लेकिन इस समय हुई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज मन कर रहा है इनकी पकौड़ी खाने का। तो देखिए, मैंने डंठल से इनको लगा रखी हूँ और इनमें ढेर सारी पत्तियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो ये बरसात में बहुत ही अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ होती है। जिस तरह से पालक में ढेर सारी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये खास करके तालाब में ज़्यादा करके उगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केट से मेरे हस्बैंड जी इसको लेकर आए थे तो मैं सभी पत्तों को यूज कर ली थी, लेकिन जो डंठल थे मैं लगा दी थी, देखिए इस प्लास्टिक की बोरी में लगा दी थी। और बहुत ही अच्छी तरह से अब ये पत्तियों से भरपूर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इनको निकालने जा रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा दूं, ताकि वो लोग भी देखें और अपने घर में करमुआ लगा सकें। तो फ्रेंड्स, जब भी मार्केट से आता है ना, तो पत्तियों को निकाल कर जो डंठल बचते हैं तो हमें फेंकना नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्लास्टिक की बोरी हो या फिर कोई कंटेनर खाली हो तो हम उसमें इसको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके देंगे तो इनकी रूट्स बहुत ही जल्दी बनती है, पानी में भी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से हम दोबारा इनको खाने में यूज कर सकते हैं। तो मौसम बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इनकी पत्तियों से पकौड़ी बन जाए गरम गरम। तो इनकी पत्तियों को मैं तोड़ रही हूँ, केवल पत्तियों को ही तोड़ूंगी फ्रेंड्स, इनके डंठल को नहीं निकालूंगी। मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इनकी, देखिए कितनी अच्छी अच्छी पत्तियां हैं। और इसमें मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे, देखिए ये मूंगफली है। कुछ दिन पहले मूंगफली जो हम भिगो कर खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो बच गई थी तो मैं इसमें लगा दी थी। देखिए, जब मैं पत्तियों को तोड़ने आई थी करमुआ के, तब मैंने देखा इसमें, देखिए फूल आ रहे हैं। तो कुछ दिन बाद इसमें मूंगफली भी बनेंगी, देखिए। तो मैं किस तरह से लगाई हूँ फ्रेंड्स, मैं इनकी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी लेट है, देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनके पत्तों को निकाल देते। इसमें भी लगाए हैं तो अभी इसमें उतना पत्ती नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी हम इन्हें तोड़कर इस्तेमाल करेंगे। इसे मैं टोकरी में लगा रखी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ अभी बारिश का मौसम बना हुआ है और अब हम जा रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ी बनाने और खाने। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।